सुरक्षित बचपन मुहिम रीते दौसा जिला में उन टेम इतिहास रचो गयो जब जिला प्रशासन री पहल माथे 2600 स्कूलारा 3.5 लाख टाबरा ने चोखा और बुरा स्पर्श न लेर प्रशिक्षण दियो गयो। इन कार्यक्रम ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का निसु प्रोविजनल सर्टिफिकेट दियो गयो जो बेगो ही विश्व रिकॉर्ड बने लो। पेश है माका दौसा संवाददाता संतोष कुमार री रिपोर्ट। की दिशा में राजस्थान के दौसा जिले में एक नया कीर्तिमान रचा गया है। जिला कलेक्टर कमर चौधरी की एक मुहिम ने जिले को विश्व पटल पर जगह दी है और दौसा का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। 16 जुलाई 2022 शनिवार का दिन दौसा के लिए ऐतिहासिक रहा, जबकि यहां के 2600 स्कूलों में 3.5 लाख बच्चों को एक साथ समझ स्पर्शरी मुहिम के तहत गुड टच और बैड टच की ट्रेनिंग दी गई और उन्हें बताया गया कि कौन सा स्पर्श अच्छा है और कौन सा बुरा, ताकि बच्चों का बचपन सुरक्षित हो सके और बाल अपराधों में कमी आ सके। हम लोगों ने कैंपेन प्लान किया था जो सेफ टच अनसेफ टच के लिए, सुरक्षित बचपन के लिए, और उस कैंपेन के बीच में हम लोगों ने ये टारगेट किया था कि 2600 स्कूलों में लगभग 3.5 लाख बच्चों को एक ही दिन के बीच में हम ओरिएंट करें सेफ टच और अनसेफ टच या गुड टच बैड टच के बारे में। तो वो हमारा कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो सफल रहा, और उसमें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने हमें ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट है वो दिया है, और डेटा सर्टिफिकेशन के बाद और इनका जो पोस्ट ऑडिट है उसके बाद में ये फाइनल सर्टिफिकेट जो है वो हमें देंगे। और यही है, और ये पूरी टीम के प्रयास से, पूरे प्रशासन के प्रयास से, शिक्षा विभाग की पूरी टीम, ईच एंड एवरी प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर, जितने ट्रेनर इसमें इन्वॉल्व थे उनके प्रयास से ये सफल हो पाया। इस पहल के तहत 260 मास्टर ट्रेनर्स ने स्कूलों में बच्चों को ट्रेनिंग दी, वहीं करीब 150 अधिकारियों ने पर्यवेक्षक के रूप में इन स्कूलों के विजिट की। मिशन आर्या शुरू किया गया है, सुरक्षित दौसा की पहल है उनकी, दौसा को कैसे, बच्चों को कैसे सेफ रखा जा सकता है, तो उसके लिए गुड टच बैड टच की सबसे पहले हम लोगों की ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद हमें स्कूल में बच्चों को इस बारे में एजुकेट करना था, तो आज जैसा ये एक दिवसीय कार्यशाला हुई है उसमें बच्चों को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बताया गया। बच्चों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला और बच्चे आगे ये भी बच्चों को बताया गया कि आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनको घर पे जाके, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको जाके बताएंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम ने दौसा जिले के अनेकों स्कूलों में जाकर इस मुहिम में शामिल स्कूल और विद्यार्थियों के डेटा का सत्यापन किया। टीम द्वारा इसका सत्यापन किए जाने के बाद दौसा के कलेक्टर कमर चौधरी को प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। सर, कलेक्टर साहब ने एक मिशन आर्या के अंतर्गत एक नई, आप मान लीजिए एक नया बच्चों के लिए एक समझ स्पर्श री प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, जिसमें करीबन 3.5 लाख बच्चों के शामिल होने का एक प्रयास था। तो काफ़ी हमने स्कूल्स की ऑडिट भी करी, उसमें देखा तो उसमें काफ़ी बच्चे मिशन से जुड़े हुए हैं और उनको काफ़ी नॉलेज दी गई गुड टच बैड टच के बारे में। तो हमने साहब, कलेक्टर साहब का जो ये मुहिम है उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के तौर पे लेते हुए हमने इसको सत्यापित करने के लिए अभी सर को एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, जिसमें हम ये मानते हैं कि करीबन मेरे हिसाब से 3.25 लाख बच्चे एट प्रेजेंट अभी तक थे, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे जिनका अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं हो पाया, तो करीबन ये 3.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। दौसा जिले में शुरू की गई इस अभिनव पहल से इस प्रशिक्षण में भाग लेने वाली बालिकाएं भी उत्साहित नजर आईं। हमारी मैडम ने हमें ये बताया कि यानी कि हमारे जो माता पिता, दादा दादी, हमारे परिचित बड़े हमें टच करते हैं तो वो गुड टच कहलाता है, यानी कि सुरक्षित स्पर्श कहलाता है, और यानी कि जो अनजान व्यक्ति या फिर अकेले में टच करे या फिर हमारे उन चार बॉडी पार्ट्स को टच करे जो यानी कि हम किसी को बताते नहीं है, और वो बैड टच कहलाता है, ये बताया मैम ने बहुत अच्छा। और हमें ये भी कहा कि यानी कि हमें घर जाके छोटे बहन भाइयों को बताना है। दादा दादी, माता पिता जो हमें हमें गले लगाते हैं वह तो गुड टच होता है, और बैड टच वो होता है जो हमें हमारे कंधे और हमारी छाती जो भी छूता है वह बैड टच होता है। यदि ऐसा होता है तो हम जोर से चिल्लाएंगे और उस स्थान से दूर भाग जाएंगे, और हमारी बात जो हमें अच्छी तरह से उन पे भरोसा है उनको बताएंगे। अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम द्वारा डेटा वेरिफिकेशन और फाइनल ऑडिट के बाद जिले को फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
इसमें कोई संदेह नहीं कि दौसा जिले के इस अभिनव पहल से न केवल बच्चों के प्रति यौन अपराधों में कमी आएगी बल्कि बालिकाओं में भी सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। दूरदर्शन समाचार, जयपुर।